वाले में करना है तो इसको दबा दिया, ये हो गया आपका 24 घंटे वाला, ठीक है 24 घंटे वाला। ये देखो 12 घंटे वाला, अभी हमने 12 घंटे वाले पे ही। हेलो डियर, मैं सबका स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे आपको चाहे वो एलईडी वॉच हो, चाहे स्पोर्ट की वॉच हो, चाहे कोई भी स्मार्ट वॉच हो, मैं सेटिंग रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता और बताता रहता हूं फीचर्स और सेटिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलईडी वॉच में अगर हमारा रेलवे टाइम चल रहा है, जैसे 12 के बाद 13 बज रहे हैं, 14 बज रहे हैं, 15 बज रहे हैं, अभी देखो इस घड़ी में 16 बज रहे हैं, ठीक है ये देख पा रहे हो, तो इस घड़ी में भी 16 बज रहे हैं। तो अगर आपका रेलवे टाइम चल रहा है तो कन्वर्ट करके बदल के इसको 12 घंटे वाले टाइम में कैसे करेंगे। मेरे पास इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली मैंने इसको बाय किया है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलईडी वॉच में दोस्तों किस तरीके से रेलवे टाइम को चेंज करके आप 12 घंटे वाले टाइम में बदलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अभी क्या टाइम हो रहा है, 16:11, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम कहें तो इसमें हो रहा है जो टाइम 4:11, ठीक है। तो अभी इसको हम नॉर्मल टाइम में कैसे चेंज करेंगे, 12 घंटे वाले टाइम में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों 12 घंटे वाले टाइम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार इस वाले बटन को दबाने के बाद इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार दबा देना होगा। जब दोस्तों आप 6 बार दबाएंगे तो यहाँ पे बिलिंग करता हुआ दिखाई देगा 24 आवर्स, यहाँ से आप 12 आवर्स कर सकते हो, यहाँ से आप 24 आवर्स कर सकते हो, यहाँ से आप 12 आवर्स 24 आवर्स, ठीक है। ये रेलवे टाइम है, ये 12 वाला घंटे वाला टाइम है, ठीक है। तो अभी हम 12 घंटे वाला टाइम मैंने सेट कर दिया, अब देखो छोड़ देना इसको ऐसे। अब ऐसे मैंने छोड़ दिया, उसके बाद एक बार इसको दबाते हैं, देखो क्या टाइम हो रहा है, 4:11। उसके पहले क्या टाइम हो रहा था दोस्तों, 16:11, है ना, ठीक है आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके भी एलईडी वॉच में रेलवे का टाइम चल रहा है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको 12 घंटे वाले टाइम में चेंज करेंगे। अगर वाइज आपको फिर से रेलवे टाइम करना है तो मैं आपको बता दूं, देखो इसको आपको एक बार दबाना है, उसके बाद इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, ठीक है। ये देखो 12 घंटे वाला टाइम अभी हमारा चला है, 16 घंटे वाले में करना है तो इसको दबा दिया, ये हो गया आपका 24 घंटे वाला, ठीक है 24 घंटे वाला। ये देखो 12 घंटे वाला, अभी हमने 12 घंटे वाले पे ही रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।